हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू आर डूइंग वेल। चलिए मैं शुरू करती हूँ आज स्पेक्ट्रम का पूरा सार संग्रह, जिसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 2, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। इसका हम लोग पार्ट 6 करेंगे आज। पार्ट 5 पार्ट पहले ही हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमारी प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ हम स्पेक्ट्रम करेंगे। लेसन 1 पहले ही हो चुका है और उसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और सक्सेस मंच पेज दोनों पे अपलोड कर दिया है। तो हम लोग ये चैप्टर आगे कर रहे हैं और बहुत लेंथी चैप्टर है ये, और इसमें एक एक टॉपिक मैं कवर कर रही हूँ। कोई भी चीज़ें इसमें से हमने स्किप नहीं की है, छोड़ी नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर नंबर 2, पार्ट 6, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन। और जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड प्री प्लस मेंस सारी ही सीरीज आने वाली है और बहुत सारी सीरीज पहले से ही अपलोड है। तो आप एक बार चैनल को विजिट ज़रूर करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हमारे सारे चैप्टर हैं जो हमें करने हैं, और हम लोग अभी सेकेंड चैप्टर पर हैं, यहाँ इसका पार्ट 6 कर रहे हैं। आप एक बार ये पूरा देख सकते हैं कि हमने इस चैप्टर में पूरा एक एक पॉइंट टॉपिक कवर किया है, कौन कौन से ये एग्जाम्पल हमने देखे थे, कौन कौन से इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, टॉपिक्स दिए हैं, ये हमने यहाँ पे कवर किए हैं। तो आप ये लोग देख सकते हैं, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। हम लोग कर रहे थे यहाँ पर जो सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो हमने देखा था, राजा राममोहन रॉय के बारे में हम देख चुके हैं, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्रह्म समाज का योगदान क्या था, प्रार्थना समाज के बारे में देखा था, यंग बंगाल आंदोलन देखा था, ईश्वरचंद विद्यासागर देखा था लास्ट लेक्चर में, और गंगाधर शास्त्री जांबेकर के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियाँ, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्पेक्ट्रम में दिए गए हैं। तो विद्यार्थियों की जो शैक्षिक और वैज्ञानिक समितियाँ थी, इसका दूसरा जो नाम था उसका नाम था ज्ञान प्रकाश मंडलियाँ, इसका नाम था। उनकी दो प्रमुख शाखाएँ थी, एक थी मराठी में और एक गुजराती में। पहली मराठी में थी और दूसरी गुजराती में। और इसका जो गठन हुआ था वो 1848 में उच्च शिक्षित भारतीय युवाओं द्वारा इसका गठन किया गया था 1848 में। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो था बालिकाओं को स्कूल में प्रवेश के लिए प्रोत्साहित करना, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देना लड़कियों को पढ़ने के लिए, तो इसका ये उद्देश्य था। तो ये है, इसके ऊपर प्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने मैंने यहाँ 4 पॉइंट दिए हैं, ये चारों ही क्वेश्चन प्री में आ सकते हैं, और अगर मेंस में आएंगे तो आप एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब या डिटेल में लिखोगे। चलिए आगे बात करते हैं परमहंस मंडलियाँ। परमहंस मंडलियाँ वो ये रामकृष्ण परमहंस वाले नहीं है, ये दूसरी मंडलियाँ हैं, जिसका जो गठन हुआ था वो 1849 में महाराष्ट्र में हुआ था, और बहुत सारी परमहंस मंडलियों का यहाँ पर गठन हुआ था। और इन मंडलियों के सदस्य केवल एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे, और ये जाति प्रथा की बुराई को समाप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था परमहंस मंडलियों का। महाराष्ट्र के बाद में अनेक स्थान जैसे पूना सतारा में भी बहुत सारी इनकी शाखाएं खोली गई थी। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सत्य शोधक समाज, जिसकी स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। इनका जो जन्म हुआ था वो 11 अप्रैल 1827 में हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी 28 नवंबर 1890 में। और ये इनका पूरे ये जो डिटेल दी हुई है आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1827 में इनका जन्म हुआ, 1840 में सावित्रीबाई से इनकी शादी हुई, और 1852 में दलितों के लिए इन्होंने 3 स्कूलों की स्थापना की। 1888 में मुंबई में महात्मा की उपाधि इन्हें मिली थी, और 1873 से 86 में पुणे नगर निगम के ये कमिश्नर भी रहे थे। 1873 में सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और 1890 में 28 नवंबर के दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस समाज के जो नेता थे, ये जो समाज सत्य शोधक समाज की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके जो नेता थे वो निम्न जाति के लोग थे, ज़्यादातर जो निम्न जाति के लोग थे वही इनके नेता थे। और इनका जो उद्देश्य था वो था सामाजिक सेवा करना और स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इनका मेन उद्देश्य था। ज्योतिबा जो फूले थे, इन्होंने सार्वजनिक सत्य धर्म के समर्थन में
एवं गुलामी के विरुद्ध बहुत ज्यादा कार्य किए थे। और ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक चिन्ह जो राजा राम थे उनके विरोध में राजा बाली को आंदोलन का प्रतीक चिन्ह बनाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। पुरोहित वर्ग को इन्होंने समाज का शोषक कहा था, ये कहा गया था ज्योतिबा फूले द्वारा। पुणे में इन्होंने बालिका स्कूल की भी स्थापना की थी और महाराष्ट्र में अनेक स्थानों पर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह से संबंधित कार्यक्रम चलाए थे। ये बात हुई हमारी सत्यशोधक समाज के स्थापना करता ज्योतिबा फूले के बारे में। चलिए हम आगे बात करते हैं लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख के बारे में। ये हिंदू रूढ़िवादिता की इन्होंने आलोचना की थी। ये तार्किक सिद्धांतों और आधुनिक मानवतावादी जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य था उनके आधार पर भारतीय समाज को पुनर्गठित करना चाहते थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा तर्क पे विश्लेषण पे विश्वास रखते थे और रूढ़िवादिता जो भारत में फैली हुई थी इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे। और इन्होंने सामाजिक और धार्मिक समानता पर भी बल दिया और इन्होंने घोषणा की कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता तो उस धर्म को ही परिवर्तित कर देना चाहिए। ये इनके शब्द थे, इनका कथन था ये। आगे हम बात करते हैं गोपाल गणेश अगरकर के बारे में। ये जो थे ये मानवीय तर्कों के समर्थक थे। मतलब ये भी रूढ़िवादी जो धारणा थी भारत में फैली उस टाइम में उसके बहुत ज्यादा आलोचक थे। सॉरी। और इन्होंने परंपरागत मूल्यों और महत्वहीन जो प्रथाएं हमारे देश में चल रही थी जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा जो विवाह नहीं करने दिया जाता था, उस टाइप की जो प्रथाएं थी उनको महत्वहीन बताया और अंधविश्वास की जो थी भस्ना की इन्होंने। ये था हमारा गोपाल गणेश अगरकर के बारे में तथ्य। चलिए आगे बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। और इन सब के बारे में हम आगे अलग से एक एक पॉइंट टॉपिक वाइज कवर भी करेंगे। ये अभी मैं स्पेक्ट्रम में जो जो पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसका मैं सार संग्रह आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी और इसका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय मिशनरियों को देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित करना था। देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार किया जाना इनका मेन उद्देश्य था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गोपाल कृष्ण द्वारा गोखले द्वारा जिसकी स्थापना की गई। 1915 में जब गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई तो श्रीनिवास शास्त्री ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष पद को संभाला था। तो ये हमने बात किया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत सारे टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं तो जितने भी मैंने कवर किए एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये सारा लर्न है। आगे की क्लास में और भी जो सोशल सर्विस लीक बची हैं, रामकृष्ण आंदोलन, स्वामी विवेकानंद के बारे में जो भी उन्होंने धर्म स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, इन सबके बारे में डिटेल से स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।